नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इक्वल फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट विद एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन दम, इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 40√3 N न्यूटन, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज, हमें क्या दे रखे हैं, टू इक्वल फोर्स दे रखे हैं, टू इक्वल फोर्स हमें दे रखे हैं एफ और एफ, एंगल बिटवीन दम क्या दे दिया 60 डिग्री, और उनका जो रिजल्टेंट हमें क्या दे रखा है, रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स जो दे रखा है वो क्या है 40√3 N, ये क्या हमारे पास गिवन है, हमें क्या बताना है द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स बताना है, तो आर इक्वल टू क्या हमारे पास 40√3, तो आर इक्वल टू क्या होता है एफ स्क्वेयर प्लस टू कोस थीटा अंडर रूट, तो आर क्या हमारे पास 40√3, और ये क्या देगा 2f² + 2f² cos थीटा यानी कि cos 60 डिग्री पूरे का अंडर रूट 40√3, दोनों साइड क्या कर दो स्केयर, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास देन 2f² + 2f² cos 60 डिग्री 1/2 तो इक्वल टू 3f² आ गया, तो एफ स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास डिवाइड बाय 3, देन एफ इक्वल टू क्या आ गया 6 × √ यानी कि क्या आ गया मेरे पास 40 N, तो मैग्नीट्यूड फोर्स हमारे पास क्या आ गया 40 N, ये भी क्या होगा मेरे पास 40 N और ये भी क्या होगा 40 N, तो हमारे पास एंगल 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा 40√3, ओके okay?